नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत और आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की अब शुरुआत करेंगे। सीतापुर में संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी अनुज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्रा पहुंचे हैं, जहां उनके पहुंचने पर इमलिया सुल्तानपुर थाने पर भारी संख्या में भीड़ देखी गई। तो वहीं डीएम ने सभी फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। बता दें कि एसपी चक्रेश मिश्रा और राजस्व की पूरी टीम मौके पर मौजूद रही। गोंडा में ट्रक चालक से दरोगा ने वसूली की है। बता दें कि ओवरलोडिंग के नाम पर चालक से 25,000 मांगे थे। जब चालक ने रुपए नहीं दिए तो दरोगा ने हवालात में बंद करने की धमकी दी। तो वहीं चालक ने 10,000 रुपए देकर जान छुड़ाई है। आपको बता दें कि दरोगा ने अपने भाई के खाते में ऑनलाइन धनराशि ट्रांसफर करवाई थी। जब दरोगा के चंगुल से चालक छूटा तो उसने एसपी और कमिश्नर से शिकायत कर दी। चालक की शिकायत करने से दरोगा दहशत में आ गया और दरोगा ने चालक से लिए हुए पैसे वापस लौटा दिए। तो वहीं ऑनलाइन लेन देन का स्क्रीनशॉट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरोगा आनंद उपाध्याय वजीरगंज थाने में तैनात है। खबर कासगंज से है, जहां चेयरपर्सन के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिससे बीते 2 दिन पहले पीड़ित पत्रकार ने पुलिस से शिकायत कर दी थी। बता दें कि चेयरपर्सन के भ्रष्टाचार की खबरों को देखकर ड्राइवर बौखला गया था। तो वहीं उसने व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दे दी और मीडिया की आवाज को नगर पंचायत अध्यक्ष नाशी खान ने दबाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि सहावर नगर पंचायत से भ्रष्टाचार की खबरों से नाराज चेयरपर्सन नाशी खान ड्राइवर ने धमकी दी थी। धमकी देते समय जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था। धमकी देने वाले ड्राइवर का नाम फरहान बताया जा रहा था।
खबर बरेली से है, जहां भू माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। बता दें कि करोड़ों की जमीन पर कब्जे को लेकर दिन दहाड़े कई राउंड फायरिंग चलाई गई, कई घंटों तक जमकर फायरिंग होती रही। राहगीरों ने भागकर अपनी जान बचाई तो वहीं भू माफिया ने अपनी कार से लोगों को कुचलने का प्रयास भी किया। आपको बता दें कि पुलिस की मौजूदगी में ही माफिया ने तांडव किया, जमीन के मालिक का जमीन पर जाना दुर्भर कर दिया। बरेली के पीलीभीत के बाईपास पर करोड़ों की बेशकीमती जमीन स्थित है। पीड़ित कोर्ट के आदेश पर पुलिस के साथ जमीन पर पहुंचा था। इसी बीच इस जमीन पर कब्जेदार ने सभी को खदेड़ दिया और दो जेसीबी मशीनों में आग लगा दी। वहां काम कर रहे लोगों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। यह मामला थाना बारादरी के पीलीभीत बाईपास रोड बजरंग ढाबे के पास का है। मार्बल्स की दुकान है, जिस पर द्वितीय पक्ष के राजीव राणा आदि अपनी जेसीबी के साथ पहुंचे। दो फुट मिले प्रथम पक्ष के आदित्य उपाध्याय भी मौके पर आ गए। दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। दोनों पक्ष के द्वारा फायरिंग भी की गई, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ। तत्काल पुलिस पर पहुंचकर मौके पर ही एक पक्ष के आदित्य उपाध्याय, उनके बेटे अभिरम उपाध्याय, मैं बंदूक के साथ उनके हिरासत में ले लिए गए हैं। द्वितीय पक्ष की फॉर्चुनर गाड़ी उनके मैनेजर को भी हिरासत में लिया गया है। सुसंगत धाराओं में थाना चित्रण कर दिया जा रहा है। शीघ्र टीम गठित कर बचे हुए मुजरिमों की गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। सीतापुर में जिला और पालिका प्रशासन ने अब भू माफियाओं पर शिकंजा कस दिया है। वहीं खैराबाद कस्बे में प्रशासन की शक्ति के बावजूद भी भू माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। तो वहीं भू माफिया कस्बे में खाली पड़ी नजूल भूमि पर रातों रात अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन के द्वारा कस्बे में भू माफियाओं द्वारा रातों रात निर्माण कराए गए कब्जे पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई। यह कार्यवाही कस्बे के मोहल्ले शेखपुरा निवासी एहराज और अफसर अली के द्वारा की गई है। रातों रात 3500 स्क्वायर फीट से अधिक क्षेत्र पर पक्का निर्माण कर लिया गया था। प्रशासन को इसकी भनक लगते ही एक्शन मोड में आ गया और अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। हमारी नगर पालिका पड़ती है खैराबाद, यहाँ पर हमारी नजूल की अच्छी खासी जमीनें हैं। तो ये अभी कुछ लोगों ने उस पर निर्माण शुरू किया था, उनको बीच में रोका भी गया था, लेकिन आज पता चला कि फिर वो छत डालने का प्रयास कर रहे थे, तो वहीं पर टीम लगा के नगर पालिका के साथ उसको हटा दिया गया है। लगभग कितना है, कुछ अंदाजा पता है? लगभग एक बीघे के आसपास की हमारी ज़मीन है, चूँकि बिल्कुल शहर के पास इलाके में है। लगभग 1 करोड़ के आसपास की उसकी कीमत है। न्यायालय के आदेश पर दरोगा समेत 10 लोगों पर लूटपाट और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि बहन के ससुराल पक्ष के साथ इस वारदात को 8 फरवरी को अंजाम दिया गया था। पीड़ित को पुलिस से न्याय भी नहीं मिला था। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट की शरण लेकर मुकदमा दर्ज कराया है। ये मामला थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के जलालपुर का है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई पर धारदार हथियार से हमला किया था, जिससे छोटे भाई यासीन के सिर में काफी चोट आई है और हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। इतना ही नहीं, उसने जान से मारने का भी प्रयास किया था। बता दें कि घर में अकेला देख बड़े भाई ने छोटे भाई पर हमला किया था। दरअसल बड़ा भाई सारी जायदाद खुद के नाम करना चाहता था। बड़े भाई ने एक बार नहीं कई बार छोटे भाई पर वार किया था। किसी ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन जब तक मौके से आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने घायल यासीन खान को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। तो वहीं छोटे भाई यासीन खान ने अब इंसाफ की मांग की है। बहुत मारपीट करी दादाजी मेरी, बहुत। किसने करी है? बड़े भाई ने मेरे, कई नाम है उनका। क्या करते हैं वो? कुछ नहीं, भड़िया गिरी करते हैं। अच्छा, क्या विवाद हुआ था आपका उनसे? कुछ भी नहीं, घर का मसला मेरे। अच्छा। बोले तो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहूँगा मैं यहाँ पर। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है? हाँ जी साहब, मैंने। पुलिस ने क्या कहना है आपका? देखो भाई, ये कहना मेरा, हक करे मेरे साथ पुलिस। क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई होना चाहिए सर। इससे पहले भी कोई विवाद हुआ है आपका? 4 बार मार चुके हैं मुझे।
चार बार मार चुका है। आपको 20 दिन पहले ही मारा था। इसकी शिकायत आपने पुलिस को दी थी? नहीं दी थी मैंने। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब मैं जा रही हूँ साहब, बंद हो में हूँ। कहाँ चोट आई है आपके? मेरा हाथ टूट गया, मेरी आँख पे टाँगे हैं चार। मेडिकल हो गया है आपका? मेडिकल हो गया साहब। सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा इलाके का मामला सामने आया है, जहां बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि बिजली के करंट लगने से एक 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है, जिससे परिवार वालों में कोहराम मच गया। बिजली विभाग को कई दिनों से शिकायत की जा रही थी, शिकायत करने के बावजूद भी तार नहीं हटाया गया था। उसी लटक रहे तार की चपेट में आने से बच्ची की खेलते समय मौत हो गई। एक कारण का ये तार लटक रहा था खंबे से। हाँ खंबे से। अच्छा। लड़की वहाँ पे दुकान पे सौदा लेने आई थी और वहाँ पे पहुँच गई, अर्थिंग उतर गई उसने। तो इसको सही कराने के लिए आपने किसी भी बिजली विभाग के कर्मचारी को फोन नहीं किया? किया था। क्या उसको फोन किया था? सुबह से लेकर शाम तक फोन कर रहे, वो बता रहे आएंगे आएंगे, अभी तक आए नहीं। आए नहीं लाइन सही करने के लिए? कोई भी कर्मचारी वहाँ से नहीं आया? नहीं आया सर, बार बार फोन लगाते हैं लेकिन वो लोग फोन ही काट देते हैं। और आज जो है बड़ी घटना हो गई, ये जो बच्ची खत्म हुई है ये किसकी बच्ची है? ये पप्पू। खबर सिद्धार्थ नगर की है, जहां थाना बाजार से कुई गांव की एक घटना सामने आई है। घटना 15 वर्षीय किशोरी की है। बता दें किशोरी बीते कल भैंस चराने गई थी और आज उसकी लाश नदी में तैरती नजर आई। किशोरी की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और घर में मातम छा गया। तो वहीं सूचना मिलने के बाद से ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। और फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें एन भारत के साथ। नमस्कार।